संसार स्थित स्वामी रामानंद ट्रस्ट व युवा ईएमआई द्वारा कोविड केयर सेंटर, क्वारंटीन सेंटर, कोरोना वॉरियर्स, मेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों के लिए रोजाना भोजन की व्यवस्था की जा रही है। कोविड केयर सेंटर और क्वारंटीन सेंटर में खाना बनाने और पहुंचाने के लिए प्रशासन को दिक्कतें पेश आ रही थी, जिसके बाद संसार स्थित स्वामी रामानंद ट्रस्ट ने यहाँ प्रतिदिन भोजन पहुँचाने का बीड़ा उठाया है। स्वामी रामानंद ट्रस्ट संसार द्वारा रोजाना तीन समय सुबह, दोपहर और रात का पौष्टिक भोजन कोरोना मरीजों, स्वास्थ्य स्टाफ और पुलिस कर्मचारियों को बैजनाथ स्थित पंचायती राज संस्थान में बने कोविड केयर सेंटर और डिग्री कॉलेज में संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भेजा जाता है। ये कार्य ट्रस्ट 18 मई से कर रही है और आगे भी ये कार्य निरंतर जारी रहेगा। स्वामी रामानंद ट्रस्ट संसार के महासचिव राजेश शर्मा ने कहा कि कोविड 19 केयर सेंटर और क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले सभी लोगों को तीन समय का खाना दिया जाएगा और पानी व फलों की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि एक समय में लगभग 60 से 70 लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसार स्थित स्वामी रामानंद ट्रस्ट के आश्रम में ये खाना बनाया जाता है और इस खाने को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस भोजन को उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन द्वारा स्पेशल प्लेट्स मंगवाई गई है, जिन्हें एक बार ही उपयोग किया जाता है। 2004 को ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ था और तब से हम निरंतर सामाजिक और धार्मिक कार्य करते आ रहे हैं। 18 मई को हमने कोविड केयर सेंटर में भोजन की व्यवस्था शुरू की है। प्रशासन द्वारा हमें पता लगा था कि वहाँ दिक्कतें आ रही हैं और स्वामी रामानंद ट्रस्ट और UIIMM मिलकर इसको कर रहे हैं और तीन टाइम ये भोजन जा रहा है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। और इसके लिए SDM महोदय ने हमें प्लास्टिक प्लेट्स उपलब्ध करवाई हैं जिसमें हम खाना डाल के वहाँ भेज रहे हैं और साथ में मिनरल वाटर, जूस, फल इत्यादि भी भेजा जा रहा है। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि सब मिलकर कोरोना से लड़ाई लड़ें और कोरोना को हराएं और सब मिलजुल कर सामाजिक कार्य में हमारा साथ दें। स्वामी राम जी ने कहा कि जब तक क्वारंटीन सेंटर में लोग रहेंगे तब तक लोगों की खाने की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा की जाएगी। तो यहाँ मैंने आकर देखा कि जो ये कोविड-19 जो चल रहा है वायरस का चक्कर, इस वायरस में जो पेशेंट नीचे हमारा सेंटर बना हुआ है, यहाँ से जो कुटिया से रामानंद ट्रस्ट से इसमें लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये तीनों टाइम का भोजन जो पौष्टिक भोजन है जिसमें अलग अलग प्रकार से जो आइटम्स हो जाती है, जो कि पौष्टिक आइटम्स होती हैं सारी खाने की, तो उसमें बिस्लरी वाटर है जैसे, और फ्रूट है, जूस है, पानी की बोतल, साथ में दो सब्जियां और अब तो चावल, चपाती। तो हर हफ्ते के बाद जो अब ये चेंज होता रहता है मीनू, तो अच्छा पौष्टिक भोजन नीचे सभी सेंटर स्टाफ के लिए जा रहा है, पेशेंट है और स्टाफ के लिए भी है, पुलिस को, डॉक्टर्स को, सबको। सिटी चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।